नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल बाजार के कुमार पे। तो आज बात कर रहे हैं जिस स्टॉक का नाम है, वो स्विंग ट्रेड के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस स्टॉक का नाम है IDFC फास्ट बैंक लिमिटेड। तो इस स्टॉक में काफ़ी हलचल बनी हुई थी लगभग कुछ दिनों से। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जो देखा गया था 30.50, ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। 28 को ओपन हुआ था और हाई 30.5, दैट्स अ गुड स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेवल और टारगेट क्या होगा, कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पर सेल करनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, तो स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जहाँ तक इसका हिस्टोरिकल डाटा की बात करें तो हिस्टोरिकल डाटा 26 पे लाई कर रहा था कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 4 अगस्त को था। और आज देखिए एक हफ्ते के अंदर 30, ऑलमोस्ट 4% रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अब ये मत समझिए इसका ट्रेन अभी छूट गया, ऐसा कोई बात नहीं, ट्रेन अभी भी पटरी पे ही है, आप चाहे तो पकड़ सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर इसके डिलीवरी क्वान्टिटी की बात की जाए तो 24% डिलीवरी क्वान्टिटी देखने को मिल रही है, जो ऑलमोस्ट गुड है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर बात करें हम इसका टोटल इनकम की बात करें तो हम इनकम जो देखिए, इनकम था इसका 31 दिसंबर 2019 तक था सब माइनस में था, जो बढ़ के मार्च 2020 को सब प्लस में आ चुका है। आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टॉक में बहुत अच्छा न्यूज़ चल रहा है। और अनाउंसमेंट की बात करें, एनालिसिस जो 8 अगस्त हो चुका है, 7 अगस्त की ट्रेडिंग हो चुकी है, सभी सब मीटिंग हो चुका है, इस पर कोई फोकस मत दीजिए आप लोग। अगर बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर के प्लेज में 40% स्टॉक है, रही बात पब्लिक के फंड में 60% है। और इसका मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ है। डिविडेंड कुछ अच्छा नहीं है इसका, प्राइस स्टॉक ऑलमोस्ट, बुक वैल्यू भी अच्छा है। अगर चार्ट की एनालिसिस करें तो हम देखिए यहाँ पे जो बात करना चाह रहे हैं, जो ध्यान से सुनिएगा, अगर रैली जब इस तरह की बनती है, इस तरह से ऐसा जाता है, ये जो सीज़न होता है इसको फ्लैट सीज़न कहते हैं हम लोग, और हम लोग का एंट्री पॉइंट होना चाहिए इस सीज़न पे। अच्छा, डीप में एंट्री करो और उसका हाई में जाकर सेल करो, ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट अपनाना चाहिए हम लोग को। देखिए ऑलमोस्ट ये 28 पे था, इसका यहाँ पे डीप था, हम क्या ऊपर जाके सेल कर दिया, फिर से जब करेक्शन आएगा फिर से हम बाई करेंगे, देन सेल, फिर करेक्शन, देन बाई, देन सेल। दिस स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट अप्लाई कीजिएगा। और न्यूज़ की बात कीजिए, ऑलमोस्ट ये July 29 का न्यूज़ था, जो किसी दिग्गज ने आर्यन कैपिटल ने इसका 39 का टारगेट दे चुका था, इसीलिए शायद इसमें हलचल बनी हुई है। और इसका नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट रिपोर्ट देना था हेल्दी स्टॉक, 38.4% प्रॉफिट में है। और इसका 1626 का करोड़ था लगभग, इंक्रीज बाय 180%, वाव, जस्ट एन वाव एंड वाव, रेज 94 करोड़, ऑलमोस्ट सब प्रॉफिट में ही है। और अनाउंसमेंट की बात की जाए, जो 8 अगस्त को अनाउंस हुआ था, इन्विशन रिगार्डिंग एफर्मेशन क्रेडिट रेटिंग टायर टू डेबिट का इंटरव्यू था इसमें, इंडियन रेटिंग रिसर्च की जो होता है अनाउंसमेंट, इसमें इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और स्टॉक की बात, स्टॉक ऑलमोस्ट बुलिश है, मूविंग एवरेज सब बुलिश सिग्नल दे रहा है। और बात कर रहे हैं अब पिवट लेवल की, पिवट लेवल जो बन के आ रहा है ऑलमोस्ट, कल के सीजन 28 का पिवट लेवल बन चुका है, सपोर्ट के तमकाम का 21 फर्स्ट सेशन, देन 27, देन 27.25, ऑलमोस्ट ये दो लेवल पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दो लेवल पर हमें शायद मैंने थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में बाई करना चाहिए, कि आपका एवरेज बना हुआ है, बल्क बाइंग बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। और आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो उठ के आ रहा है 28.99 का, तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन में ध्यान रखना होगा 30, 30, 32, ये लेवल तो देखना बाकी है, कल के सेशन में हम जरूर देख लेंगे। IDFC बैंक की जो देखें बाकी था 30 थी, ओ यस, जस्ट ट्राई इट दैट। स्टॉक मार्केट अपडेट, BSE फ्लैट, बैंक राइजेस 5%, गुड न्यूज़।
AR institution heavily invested in IDC first bank, that's almost good news. Good news ही good news है. अगर बात कर चार्ट एनालिसिस की बात करें, चार्ट एनालिस जो रेटिंग देखिए, ऐसा चार्ट ऑलमोस्ट किसी के पास हो बनाया हो, चार्ट में जरूर देखेंगे हम लोग. चार्ट में बात कर रहे हैं विलियम परसेंटेज की, ऑलमोस्ट ओवर बोर्ड जोल में चला हुआ है, इसमें मत ध्यान दीजिए. MACD ऑलमोस्ट बुलिश सिग्नल दे रहा है. जो रैली देखने मिली है, ये जो रैली है ये अभी और ऊपर जाएगा, ये सिग्नल दे रहा है. ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है. अब ऑलमोस्ट बाय कर चलिए स्टॉक में, ज़रूर 32 का हाई देखने को मिल सकता है. RSI की बात की, RSI 68.24 है, ऑलमोस्ट गुड है. MACD बुलिश सिग्नल दे रहा है. तो दोस्तों अगर आपको लेना चाहिए तो लीजिएगा, आपको ये नहीं करो जो लेना ही चाहिए पड़ेगा, आप लोग को मर्जी है, रिसर्च करके देख लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.